हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल राइडर बॉय वैभव में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस करने के लिए। फाइनली अपनी बाइक ने जो है दोस्तों 500 किलोमीटर रन कर लिए है और मुझे जो है बजाज ऑटो की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि यू आर फ्री टू क्लेम योर फर्स्ट सर्विस। तो दोस्तों, इसीलिए जा रहा हूँ आज मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग करने के लिए और आपको फुल बाइक की सर्विसिंग की वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ों को जो है हमें सर्विसिंग के टाइम पे ध्यान में रखना होता है और कैसे जो है बाइक की सर्विसिंग की जाती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, चल दे अभी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए। तो दोस्तों, आज अपनी बाइक की सर्विसिंग है और आ चुका हूँ मैं बजाज ऑटो में जहाँ सर्विसिंग होती है सभी बाइकों की, आप देख सकते हैं। बाकी ये भैया अभी अपनी मदद करने वाले हैं सर्विसिंग के लिए, जिस तरीके से जो है यहाँ अपनी बाइक है। तो दोस्तों, मैंने बाइक अपने लगभग सुबह 11 बजे दी थी और अभी बज चुके हैं शाम के 6:30, लेकिन अपनी बाइक जो है अभी तक सर्विस नहीं हुई। सो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है कस्टमर सर्विस है बजाज की तरफ से। बाकी अभी उन्होंने मुझे बोला है कि गाड़ी का जो काम है वो चल रहा है और आप जो है वेटिंग रूम में वेट करिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप देख सकते हैं ये वेटिंग रूम है। तो दोस्तों, देखते हैं और कितना टाइम लगाते हैं ये लोग बजाज वाले अपनी बाइक की सर्विस के लिए। बाकी सर्विस होने के बाद आपको बताता हूँ मैं कि कैसा परफॉर्मेंस जो है अपनी बाइक का देखने को हमें मिलता है। सो दोस्तों, फाइनली अपनी जो बाइक है वो सर्विस हो चुकी है। कल जो है बहुत टाइम लग गया था सर्विसिंग के लिए। मैंने सुबह दी थी बाइक और जो है मुझे शाम को 6 बजे बाइक मिली है। तो देख सकते हैं आप, सर्विस होके जो है अपनी बाइक आ चुकी है और काफ़ी जो है शाइन कर रही है। वॉश पॉलिश सब कुछ करके दिया है बजाज वालों ने। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो है अपने बाइक्स के लुक्स है, आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, कमेंट में बताएं बाइक कैसी दिख रही है। तो दोस्तों, ये रही अपनी ऑल न्यू बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क 2023 मॉडल। सो दोस्तों, अब देखते हैं सर्विसिंग के बाद जो हमें इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अभी कॉलेज के लिए, हो रहे हैं हम लेट। आज मेरा एग्ज़ाम है और आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अभी ऐसे। बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। गाड़ी निकालते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है, स्क्रैचेस आ गए मेरे हैंडल पे। तो दोस्तों, इंजन का साउंड काफ़ी स्मूथ दिख रहा है मुझे अभी पहले से। बहुत चेंजेस जो है हुए हैं शायद। वो बोल रहे थे कि कुछ तो भी उन्होंने अपडेट किया है, बट आई डोंट नो क्या अपडेट किया है अभी, लेट्स सी। देख सकते हैं कैसे लोग गाड़ियाँ घुसाते हैं अभी। दोस्तों, निकल रहा हूँ मैं कॉलेज की तरफ। सो दोस्तों, कल मुझे मेरी बाइक जो है वो शाम को 6 बजे मिली थी सर्विस हो गई, क्योंकि बजाज के जो सर्विस सेंटर उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे कस्टमर्स ने जो है कल के दिन अपने बाइक वहाँ सर्विसिंग के लिए दी थी। तो मैंने सुबह 11 बजे बाइक दी और मुझे शाम को 6 बजे बाइक जो अपनी मिली है। बाकी दोस्तों, अभी पहले से काफ़ी स्मूथ चल रही है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की दोस्तों, वो ये कि जो बाइक का जो बेस था साइलेंसर का, वो मुझे बिल्कुल भी अभी नहीं आ रहा है सुनाई। तो शायद मैंने जो ऑयल चेंज किया है और बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है, इसलिए शायद हो सकता है ऐसा कि आवाज़ ना आ रही हो बेस की। जब ऑयल चेंज कर देते हैं तो बाइक का इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। बाकी दोस्तों, निकल रहा हूँ मैं अभी और देख सकते हैं आप 507 किलोमीटर अपनी बाइक जो है यहाँ पर
चल चुकी है दोस्तों। बाकी अभी माइलेज भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा दोस्तों, मुझे उतना नहीं पता लेकिन स्मूथ लग रही है चलाने में। बाकी देखते हैं अभी क्या चेंजेस हमें मिलते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है दोस्तों, की वजह से पूरा पसीना जो है वो मेरे गोप्रो पे गिर रहा है। बाकी चलिए निकलते हैं अभी कॉलेज की तरफ। तो दोस्तों गियर शिफ्टिंग भी थोड़ी सी स्मूथ हो गई है आई थिंक, इससे पहले थोड़ा क्लच भी थोड़ा हार्ड था। और दोस्तों फर्स्ट सर्विस के बाद क्या क्या चेंजेस मुझे फील हो रहे हैं वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वीडियो में, सो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों बात करें फर्स्ट सर्विस के बाद जो सबसे पहले चेंज की वो ये कि जो इसका इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है पहले से, और जो है हमने इसका ऑयल चेंज किया है तो उसी वजह से जो इंजन की रिफाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वेल हो चुकी है। बाकी चलिए निकलते हैं अभी। दोस्तों बारिश भी होने वाली है। तो दोस्तों सेकंड चेंज की बात करें वो ये कि जो इसका क्लच है वो भी काफ़ी ज़्यादा पहले से स्मूथ हो चुका है, पहले थोड़ा सा हार्ड फील होता था। और जो गियर शिफ्टिंग है, गियर शिफ्टिंग भी जो है काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुकी है दोस्तों। सो जब न्यू बाइक हम लोग परचेज़ करते हैं तो उतने अच्छे से जो पार्ट्स है वो वर्क नहीं करते दोस्तों, इसलिए जो है बजाज स्टार्टिंग में हमें 3 फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें जो हमारी बाइक के पार्ट्स है वो अच्छे से वर्क कर सके। दोस्तों बारिश हल्की हल्की हो चुकी है स्टार्ट, और मेरा कॉलेज है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर, तो मुझे लगता है शायद भीग जाऊँगा मैं अगर बारिश शुरू हो गई तो। लेकिन दोस्तों मेरा पेपर है, मुझे भीगना नहीं है आज। तो चलिए निकलते हैं अभी कॉलेज की तरफ। और दोस्तों जो थर्ड चेंज की बात करूँ तो जो ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, हमारे ब्रेक जो है अभी पहले से ज़्यादा अच्छे वॉक कर रहे हैं। बाकी चलिए निकलते हैं, अपन को हो गया लेट। दोस्तों टाइम हो चुका है अभी 1:15, 2:30 बजे का अपना पेपर है और यहाँ मुझे गाड़ी को रॉकेट बनाना पड़ेगा। निकलने का दोस्तों सोच रहा हूँ निकल जाओ लेकिन आगे पुलिस वाले भी मिल सकते हैं, और बारिश भी शुरू हो रही है दोस्तों। देख सकते हैं आप सिग्नल शॉट होता है, इससे इसी तरीके से जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देख सकते हैं आप कैसा फंस गया है आदमी, तो इसलिए मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा दोस्तों, आपको भी ये नहीं करना। आप इसके लिए निकलते हैं, तो बारिश के ऊपर। एक्चुअली मैं कैमरे में बोल रहा था तो मेरा ध्यान नहीं गया, बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
5-6 सेकंड से हम लेट नहीं हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अपन को जाना है 17 किलोमीटर दूर। मुझे नॉर्मली दोस्तों अभी जो मेरे 3 पेपर हो चुके हैं तो उसमें मुझे जो टाइम लगा है अपने कॉलेज पहुंचने के लिए सर्विस सेंटर, अपने सेंटर पे जहां मेरा एग्ज़ाम है, तो वो लगभग 45 से 50 मिनट मुझे लगे हैं फुल स्पीड में भगाने के बावजूद। तो इसलिए दोस्तों कभी अभी लेट हो जाता है और यू नो थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए हमें जल्दी पहुँच सके। और बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई है दोस्तों बहुत ज़ोरों से, वो भी शिट। मुझे लगता है दोस्तों मैं गया आज बहुत गंदे तरीके से गया दोस्तों, शिट रेनकोट ले लेना चाहिए था मुझे दोस्तों, क्या हो गया यार शिट। बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आ रही है दोस्तों बारिश और मैं गया। OMG पीछे बारिश हो रही है दोस्तों और इधर पूरा सूखा है, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। आप देख सकते हैं इधर साइड जो है बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और उधर हमें काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल भी बारिश नहीं है इधर, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब पीछे बारिश हो रही है और इधर का पोर्शन पूरा सूखा हुआ है, तो आधी मेरी जो शर्ट है वो भी गीली हो चुकी है। आप देखेंगे तो आपको पानी के छींटे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों मुझे तो लगा मैं गया आज, बट बच गए। और ये क्या धूप क्या गई, चलिए बच गए हम लोग बारिश से, थैंक गॉड। ऐसा ही हो रहा है दोस्तों आजकल नागपुर में, किसी जगह बारिश हो रही है तो किसी जगह नहीं हो रही है। बाकी सिग्नल छूटने को है हमारा, अभी 45 मिनट बाकी है, पेपर है अपना 2:30 बजे का, अभी 45 मिनट पास बाकी है। यही कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको बताया, जो सर्विसिंग में मैंने नोटिस किए, और कोई तो चेंज नहीं मिला है मुझे। बाकी गियर स्मूथनिंग और इंजन रिफाइनमेंट और क्लच स्मूथनेस के अलावा और कुछ भी चेंज मुझे इस बाइक में जो नहीं देखने को मिला है। बाकी से उन्होंने जो दोस्तों वॉश करके दिए बाइक और थोड़ी बहुत पॉलिश मारी है, तो उतनी भी ज़्यादा शाइन नहीं कर रही आई थिंक, क्योंकि पॉलिश से पहले मेरी गाड़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी। पॉलिश करने के बाद जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है बाइक का। और ये क्या, यहाँ दोस्तों डांबर रोड बन रही है, थोड़ी बहुत डांबर अपने टायर पे भी चिपक गई है दोस्तों। दोस्तों एक कभी भी काम करते रोड्स बनाने का, ये मैंने पहले यहाँ का बनाया, ये तो 10-1 साल बाद उधर का मैंने, एक साथ बनाना चाहिए पूरा रोड। दोस्तों रेटिंग अपना है, फिर भी निकल लेते हैं हम लोग। दोस्तों निकल पड़े हम लोग एग्ज़ाम के लिए,
कुछ दोस्तों डिसएडवांटेजेस भी है। एक तो एडवांटेज तो ये कि हमें धूप से बताता है, बट हम जो है अपना फ़ोन कंट्रोल नहीं कर सकते, ये टच नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हेलमेट के अंदर अपन हाथ नहीं डाल सकते, और देख सकते हैं इधर डीजे बज रहा है। ले सकता था दोस्तों, फिर भी मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे फिलहाल माइलेज की ज़रूरत थी, जो कि KTM में बिल्कुल भी नहीं है। अपनी बजाज ही काफ़ी अच्छा माइलेज देती है, और लुक्स भी मिल जाते हैं अपन को, उतने ही नहीं मिलते लेकिन फिर भी दोस्तों ठीक ठाक लुक्स प्लस रिएक्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों जा रहा हूँ मैं अभी, और धूप जो है फिर से आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो गाड़ी को रॉकेट बनाना पड़ेगा अपन को, ठीक है।